बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह बोले भाई और दोनों नेताओं का डीएनए एक है, जिसमें नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में अब चर्चा ज्यादा तेज हो गई है, तो ऐसे में हम भी आपको बता देते हैं। हालांकि हमने आपको 2 महीने पहले बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी यानी पुरानी पार्टी को नया करने जा रहे हैं, सर्विस के लिए उन्होंने दे दिया है। और ऐसे में दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज है। कई लोगों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी अभी जिंदा है, तो आरएलएसपी जिंदा है, मरी कब थी, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है और दिल्ली में उनकी लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की कोशिश जारी है। उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव आयोग से वार्तालाप भी जारी है, इसलिए कि अपनी जो पुरानी पार्टी थी उसको फिर नए सिरे से कैसे लॉन्च किया जाए, नए सिरे से कैसे उस पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम किया जाए, उसके फिराक में हैं उपेंद्र कुशवाहा। चर्चा बार बार यही हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन करेंगे या भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अब इस तरह की चर्चाएं आरसीपी सिंह के लिए भी हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आकर एक मंच पर राजनीति कर सकें। भारतीय जनता पार्टी हो या महागठबंधन हो, दोनों दलों में राष्ट्रीय जनता दल के माफ कीजिएगा जनता दल यूनाइटेड कार्य कर चुकी है दोनों के साथ। अब बड़ा सवाल है कि भाजपा के जो लोग हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे अपने साथ रखते हैं। 2024 चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर चुकी है। इस चुनाव के पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ये तय कर लेंगे कि उन्हें किस गठबंधन के साथ रहना है, किस दल में शामिल होना है। लेकिन खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही अपनी पार्टी को लेकर आधिकारिक तौर पर उस बैनर के तले एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा का वो कार्यक्रम सफल रहा तो कुशवाहा भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, अगर कार्यक्रम सफल नहीं रहा तो उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करेंगे यानी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो आम हो चली है। ऐसे में दिल्ली से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव आयोग की तरफ से उनकी पार्टी को लेकर आधिकारिक तौर पर कई तरह की चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को यह कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला ले ले। अब भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ अन्य दलों को 2024 चुनाव को लेकर अपने साथ रखना चाहती है। इंतजार करना होगा भाजपा के साथ और भी जो दल हैं कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वो दल हैं जो महागठबंधन खेमे में रह जाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सैनी सहित एक दो और दल हैं जो लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को देखते हुए कोई एक नया फैसला ले सकती है गठबंधन को लेकर, और जल्द ही इस पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो बात करेगा। इसलिए ये अमित शाह का बिहार दौरा, जेपी नड्डा का बिहार दौरा, ये सब कुछ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ये आंकना चाहती है कि बिहार के किस दल के पास कितनी ताकत है, किस दल के पास कितनी हैसियत है, कितना वोट ट्रांसफर करा पाती है, भाजपा ये जानना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए स्पष्ट करना चाहती है कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह जैसे लोगों के साथ लेकर कैसे चलेगी। क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के वोट बैंक को तोड़ पाएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा उन लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। 2024 चुनाव के पहले अगर नीतीश ही खेमा बदल लेते हैं तो जितने भी कयास हैं और जितने भी समीकरण बन रहे हैं सब कुछ एक बार फिर से ध्वस्त हो सकता है। लेकिन भाजपा अपने समीकरणों में लगी है जिसका हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।